प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरी ऑनलाइन क्लास में। तो बहुपद के अंतर्गत आज जो हमारा टॉपिक है वो है बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध। परीक्षा में कई बार इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें कोई बहुपद दिया रहता है जिसके सर्वप्रथम शून्यक ज्ञात करने होते हैं तथा उसके पश्चात उसके शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जाँच करनी होती है। तो आज हम ये भी सीखेंगे कि शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध क्या होता है और कैसे उनकी सत्यता की जांच की जाती है और कैसे एक बहुपद के शून्यकों को ज्ञात किया जाता है। तो एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि माना हमें एक बहुपद दिया गया है पी एक्स इजिकल टू टू एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस सिक्स। तो हमें इसके शून्यक भी ज्ञात करने हैं और हमें इसके गुणांकों और शून्यकों के मध्य संबंध भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसके शून्यक निकालना सीखते हैं। इससे पिछली कक्षा में आपने पढ़ा है कि जब हमें कोई बहुपद दिया रहता है तो उसके शून्यक हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं, गुणनखंडन विधि के द्वारा, यानी हम उस बहुपद को उसके गुणनखंडों में तोड़ देते हैं। तो किस प्रकार तोड़ा जाता है आइए एक बार फिर से सीखें। यहाँ पे आपको बहुपद दिया गया है टू एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस सिक्स। तो इसमें हम प्रथम और अंतिम पद को के जो गुणांक हैं उनको आपस में गुणा करते हैं और मध्य वाले जो पद है इसको हम उस गुणनफल के आधार पर दो पदों में तोड़ देते हैं। तो प्रथम पद जो है उसका गुणांक है दो और अंतिम पद का गुणांक है छः, तो दो छक्का बारह। अब हमें बारह के ऐसे गुणनखंड लेने हैं जिन्हें जोड़ने या घटाने पे हमें बीच वाला पद जो है प्राप्त हो जाए। तो बीच का पद है आठ और दो छक्का बारह, यानी जब हम दो और छः को जोड़ते हैं तो हमें आठ प्राप्त होता है। तो यानी हम इस बीच के पद आठ को दो और छः में तोड़ देंगे। तो इस प्रकार से हमने इन तीन पदों को यहाँ इन चार पदों में तोड़ा जिसमें हमने बीच वाले पद को 6x और 2x के रूप में अलग अलग कर दिया। यानी जब हम माइनस 6x और माइनस 2x को जोड़ेंगे तो हमें फिर से माइनस का 8x प्राप्त हो जाएगा। अब हम दो दो के जोड़े बना करके इनमें जो भयनिष्ठ पद हैं उन्हें बाहर लेंगे। तो जैसे हमने शुरू में देखा 2x स्क्वायर माइनस 6x है, तो इन दोनों में दो कॉमन है क्योंकि ये दोनों ही दो के पहाड़े में आते हैं और दोनों में ही x है, तो हमने x बाहर लिया तो यहाँ पर बचा x माइनस थ्री। इसी प्रकार इन दोनों में सिर्फ दो कॉमन था तो हमने दो बाहर लिया और यहाँ भी बचा x माइनस थ्री। अब हमारे पास ये टर्म x माइनस थ्री दोनों जगह कॉमन आ चुकी है, तो हम इसे यहाँ आगे ले लेंगे, इस पूरे ब्रैकेट को ही हम कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास यहाँ से बचता है 2x और यहाँ बचता है माइनस 2। तो इस प्रकार से हमें दूसरा गुणनखंड जो प्राप्त हो रहा है, पहला गुणनखंड में प्राप्त हुआ था x माइनस थ्री और दूसरा गुणनखंड में प्राप्त हुआ 2x माइनस टू। इसमें भी अगर हम दोनों में से 2 कॉमन बाहर ले लें तो हमारे पास बचता है अंदर x माइनस वन और दूसरा है x माइनस थ्री। गुणनखंडों को हमेशा छोटे से बड़े के क्रम में लिखा जाता है, तो 1 जो है 3 से छोटा होता है, इसलिए हमने x माइनस वन पहले लिखा है और x माइनस थ्री बाद में लिखा है। तो इस प्रकार से हमारा जो बहुपद था 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 वो हमारा इस प्रकार से जो है गुणनखंडों के रूप में टूट गया है। तो यहाँ हम जो वैल्यूज़ देख रहे हैं x और इस वाले x के आगे जो लिखी है 1 और 3, यदि हम इन मानों को क्रमशः इस बहुपद में रखेंगे तो इन मानों को रखने पर इस पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि वो मान x चर राशि का वह मान जो पूरे बहुपद को शून्य कर दे वो उसका शून्य कहलाता है। तो इस प्रकार इस बहुपद के दो शून्य हमें यहाँ प्राप्त होते हैं 1 और 3। तो ये हमने शून्य ज्ञात करना सीखा। अब हम इसके शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध जो है उसकी जांच करेंगे, ये क्या इनमें संबंध है। तो जब हम इस समीकरण की 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 की मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करते हैं तो हमें abc के मान प्राप्त होते हैं। तो a का मान हमें यहाँ से मिला 2, b का मान मिला हमें माइनस 8 और c का मान मिला हमें 6। अब इनको जब हम इन सूत्रों में जो कल मैंने आपको पिछले वीडियो में सूत्र बताए थे माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए द्विघाती समीकरण द्विघाती बहुपद के लिए इनमें रखते हैं तो हमें यहाँ से माइनस बी अपॉन ए का जो मान प्राप्त होता है वो होता है 4 और सी अपॉन ए का जो मान प्राप्त हो रहा है हमें वो है 3। अब हम जब हमें जो यहाँ पर जो शून्यक मिले थे 2, 1 और 3, इनको जब हम जोड़ते हैं तो 1 प्लस 3 इज इक्वल टू आता 4, जो कि किसके बराबर है, माइनस बी अपॉन ए के मान के बराबर है। और जब हम शून्यकों को आपस में गुणा करते हैं तो 1 इंटू 3 का मान आता है 3, जो कि किसके बराबर है, सी अपॉन ए के बराबर है। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि किसी बहुपद के शून्यकों का जो योग है वो बराबर है माइनस बी अपॉन ए के, जहाँ बी आपका एक्स का गुणांक है और ए जो है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। इसी प्रकार से शून्यकों का जो गुणनफल है अल्फा इंटू बीटा वो बराबर होता है सी अपॉन ए के, जहाँ सी हमारा अचर पद होता है बहुपद में और ए हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो ये संबंध हमें यहाँ पे प्राप्त होता है और इन संबंधों के मान जब बराबर आते हैं
तो इससे शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच हो जाती है। अब आते हैं अगली हेडिंग पे, शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात होने पर अज्ञात बहुपद को ज्ञात करना। इस प्रकार के प्रश्न भी आते हैं जब शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्रश्न में दिए होते हैं और हमें बहुपद ज्ञात करना होता है, तो वो हम कैसे ज्ञात करेंगे उसके लिए सीधे से शॉर्ट ट्रिक मैंने यहाँ पर लिखी है कि जो हमारा अज्ञात द्विघाती बहुपद है वो सीधे सीधे हमारा उसका जो फॉर्मूला होता है जनरलाइज फॉर्मूला वो होता है के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, जहाँ अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग है और अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल है। एक उदाहरण के माध्यम से हम इसे समझेंगे। वह बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 हैं। तो हमें योग दिया है -3 और गुणनफल दिया है 2, तो हम सीधे से इसको इस फॉर्मूले में रख देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 2। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। यानी हमें इस सूत्र में योग शून्यकों के योग और गुणनफल का मान रख देना है जिससे हमें वो अज्ञात बहुपद प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पे हमने जो हमारा जनरलाइज फॉर्मूला था उसमें सीधे हमने k की वैल्यू रख दी थी 1, यानी हमने k बराबर 1 मान लिया था, तो इससे हमारा जो बहुपद है उसे निकालना आसान हो गया था। तो आज के वीडियो में हमने यही सीखा। धन्यवाद।